बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद, एपीएससी मैथ पार्ट टू, एक्सरसाइज 3.2 में आज हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यूज़ प्रोडक्ट रूल। हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे और हम इसी फंक्शंस का डिफरेंशिएशंस फाइंड करेंगे कि तो मैं इसको दो मेथड से ट्राई करूँगा। इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। जब हमारे पास दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाए, एक फंक्शन यू है और दूसरा फंक्शन वी है, इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन कह दिया और इसको मैंने सेकंड फंक्शन कह दिया, तो प्रोडक्ट रूल हम इस तरह फाइंड करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, डेरिवेटिव यू ले सेकंड फंक्शन का। सेकंड फंक्शन हमारे पास वी है तो वो हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स प्लस, सेकंड फंक्शन को छोड़ दे, डेरिवेटिव यू ले फर्स्ट फंक्शन का, वो डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा। तो इसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं। इसी रूल्स के मुताबिक मैं इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन फाइंड करूंगा। तो दो मेथड इस तरह है कि एक तो एक मेथड है कि मैं इसको u सपोज करूंगा और इसको v सपोज करूंगा और इसका अलग अलग डेरिवेटिव्स फाइंड करके फिर यहां पे पुट कर सकता हूं, और डायरेक्ट भी आप लोग प्रोडक्ट रूल यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मेथड मैं इस तरह कर दूंगा, मेथड वन में इस तरह ले सकता हूँ, मैं लिख दूंगा सोल्यूशन y इज इक्वल टू, इसको u सपोज करो, सपोज u की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस टू, इसको मैंने u सपोज किया और इस टर्म्स को मैंने v सपोज किया, v इज इक्वल टू 3x प्लस 1। ठीक है, दिस इज़ u एंड दिस इज़ v। अब मैं इसका अलग अलग डेरिवेटिव्स फाइंड करूँगा, मैं लिख दूँगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी यू बाई डी एक्स, डायरेक्ट भी आप लोग लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू, और यहाँ पे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x और इसका डेरिवेटिव हुआ 0। तो हमारा जो डी यू बाई डी एक्स बन गया वो 2x है। ठीक है, सिमिलरली इसका हम डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 1। ठीक है, तो x का डेरिवेटिव क्या है, 1 है, और 1 का डेरिवेटिव 0 है, तो डी वी बाई डी एक्स बन जाएगा हमारे पास 3। अब ये डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू 2x है और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, 3 है। इन दोनों वैल्यूज को मैं यहाँ पे फोट करूँगा क्योंकि ये प्रोडक्ट रूल है ना। तो देखो यू यू कौन सा फंक्शन है, यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस टू, ओरिजिनल फंक्शन है, दिस इज यू। वी की वैल्यू क्या है, डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, वो 3 है, तो यहाँ पे 3 लगा दो, प्लस वी की वैल्यू क्या है, वी की वैल्यू है 3x प्लस 1, और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, वो है 2x, वो क्या है 2x। जस्ट यहाँ पे आप लोग डी वी बाई डी एक्स और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यूज लगा सकते हैं, यू और वी ओरिजिनल फंक्शन होगा। अब देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाइड करो तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6, और यहाँ आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 2x। सिंप्लीफिकेशन करनी है, 3x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर से 9x स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 2x माइनस 6। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ, इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। तो डायरेक्ट मेथड किस तरह यूज़ करना है, हमें ये फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एंड 3x प्लस 1, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे d बाई डी एक्स आप y, और यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा d बाई डी एक्स आप एक्स स्क्वायर माइनस टू एंड टू 3x प्लस 1। ठीक है, अच्छा इसको मैं फर्स्ट फंक्शन कह दूंगा
और इसको मैं सेकंड फंक्शन कह दूंगा। तो प्रोडक्ट रूल इज, यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है यूज प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल यूज़ करना है? प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है। तो प्रोडक्ट रूल इस तरह है, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो। फर्स्ट फंक्शन कौन सा है? एक्स स्क्वायर माइनस टू है। डेरिवेटिव अप्लाई करो सेकंड फंक्शन पे, वो थ्री एक्स प्लस वन हुआ, प्लस सेकंड फंक्शन को छोड़ दे थ्री एक्स प्लस वन। डेरिवेटिव अप्लाई करो फर्स्ट फंक्शन, वो एक्स स्क्वायर माइनस टू है। ठीक है, इस तरह आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस टू तो अपनी जगह पे आ जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव क्या है? एक्स का डेरिवेटिव वन है और वन का डेरिवेटिव ज़ीरो है, तो यहाँ पे सैंपल थ्री आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास थ्री एक्स प्लस वन आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स हुआ और इसका ज़ीरो, तो वही आंसर है, वही क्वेश्चन है। थ्री एन टू एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस थ्री एक्स प्लस वन एन टू टू एक्स, तो ये मल्टीप्लाइड करो, तो जब मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर से नाइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस टू एक्स माइनस सिक्स। तो डायरेक्ट मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पार्ट नंबर डी को देख लो, वाई इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट माइनस थ्री अंडर रूट एक्स प्लस सिक्स प्लस फोर अंडर रूट एक्स माइनस टू। तो मैं इसको इसी मेथड पे ट्राई करूँगा। एक टर्म्स को मैं यू सपोज कर दूंगा और दूसरे टर्म्स को मैं वी सपोज करूंगा। तो इस टर्म्स को मैंने यू के दिया, सपोज यू इज इक्वल टू माइनस थ्री अंडर रूट एक्स प्लस सिक्स, इसको मैंने यू सपोज किया, और इसको मैं वी सपोज करूंगा, वी इज इक्वल टू फोर अंडर रूट एक्स माइनस टू। ठीक है, फिर डी यू बाई डी एक्स हम फाइंड कर देंगे, डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? डी यू बाई डी एक्स, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस थ्री अंडर रूट एक्स प्लस सिक्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मतलब आप इस पे सम रूल अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मैं इस तरह लिख सकता हूँ इसको, माइनस थ्री बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव अप्लाई करना है एक्स पावर वन ओवर टू पे। इसका पावर क्या है? वन ओवर टू है, और ये कांस्टेंट है ना, इसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा ज़ीरो। इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। इस पे यूज़ करो पावर रूल। इस पे क्या यूज़ करना है? पावर रूल यूज़ करना है। पावर रूल किस तरह यूज़ करना है? माइनस वन ओवर टू कोफिशिएंट में आ जाएगा, और इससे वन को माइनस करना है, तो क्या बन जाएगा? डी यू बाई डी एक्स बन जाएगा माइनस थ्री बाई टू एक्स पावर माइनस वन ओवर टू। तो ये माइनस वन ओवर टू जब बिलो चला जाएगा तो डी यू बाई डी एक्स हमारे पास बन जाएगा माइनस थ्री बाई टू अंडर रूट एक्स। मतलब ये पावर जब नीचे चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और वापस मैंने इसको अंडर रूट में कन्वर्ट किया। देख लो, सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ फोर अंडर रूट एक्स माइनस टू। ठीक है, तो इस पे अलग डेरिवेटिव अप्लाई करो, इस पे अलग डेरिवेटिव अप्लाई करो, तो ये फोर कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर वन ओवर टू आ जाएगा, और ये कांस्टेंट है, इसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। इसी कांस्टेंट टर्म्स का डेरिवेटिव हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। अब इस पे दोबारा यूज़ करो पावर रूल, तो वन ओवर टू आ गया, सामने आ जाएगा, कोएफिशिएंट में आ जाएगा, और इस वन ओवर टू से हमने वन को माइनस करना है। यहाँ पे जो भी पावर आएगा उससे आप लोग वन से वन को माइनस करोगे, तो ये दोनों क्या हुए? कैंसिल हुए, और यहाँ पे बना एक्स पावर माइनस वन ओवर टू, और ये जब पिलो चला जाएगा तो ये बन जाएगा डी वी बाई डी एक्स बन जाएगा हमारे पास टू अंडर रूट एक्स। ये डी वी
बाई डी एक्स की वैल्यू। आप लोग डायरेक्ट भी इसकी एक्सपेंशन कर सकते हैं, जो सेकंड मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन किया उससे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, अब मैं डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा। तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल, फिर आप लोग लिख दोगे यूज़ प्रोडक्ट रूल, ये रूल लिखना है ठीक है। यहाँ पे हम राइट हैंड साइड में पुटिंग कर देंगे ठीक है। तो u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू हमारे पास है माइनस थ्री अंडर रूट एक्स प्लस सिक्स, ये u की वैल्यू हुई। और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है टू अंडर रूट एक्स, ये हमारे पास डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू। प्लस v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है फोर अंडर रूट एक्स माइनस टू, और डी यू बाय डी एक्स की वैल्यू क्या है, वो है माइनस थ्री डिवाइड बाय टू अंडर रूट एक्स ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, ये टर्म्स मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देख ले तो यहाँ पे भी अंडर रूट एक्स है और यहाँ पे भी अंडर रूट एक्स है ठीक है। तो इससे मैं अंडर रूट एक्स कामन ले सकता हूँ, ये आंसर भी ठीक है। यहाँ तक अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो ये आंसर भी ठीक है। मज़ीद आप इसमें सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हैं तो अंडर रूट एक्स इधर भी है और अंडर रूट एक्स इधर भी है, इससे अंडर रूट एक्स मैंने कामन लिया, वन डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स मैंने कामन लिया। देखो यहाँ पे अंडर रूट एक्स मौजूद है, यहाँ पे अंडर रूट एक्स मौजूद है, ये मैंने कामन लिया। तो जब कामन लिया तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया माइनस थ्री अंडर रूट एक्स प्लस सिक्स इंटू टू, और यहाँ पे फोर अंडर रूट एक्स माइनस टू इंटू माइनस थ्री डिवाइड बाय टू ठीक है। ये आंसर भी ठीक है, सही। आप लोग इसको मज़ीद सिंप्लीफाइड करना चाहते हैं तो ये टू इसके साथ मल्टीप्लाइड करो, तो वन वन अंडर रूट एक्स, ये हो जाएगा माइनस सिक्स अंडर रूट एक्स प्लस ट्वेल्व आ जाएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाइड करो तो ये जब मल्टीप्लाइड हो जाएगा इसके साथ तो देखो थ्री फोर ज़ा माइनस ट्वेल्व आ जाएगा, और माइनस ट्वेल्व को टू पे डिवाइड करो तो माइनस सिक्स अंडर रूट एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे देखो टू थ्री ज़ा सिक्स प्लस सिक्स डिवाइड बाई टू से थ्री आ जाएगा ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखो माइनस सिक्स अंडर रूट एक्स और माइनस सिक्स अंडर रूट एक्स को आप लोग ऐड कर सकते हैं, तो इससे आ जाएगा माइनस ट्वेल्व अंडर रूट एक्स प्लस फिफ्टीन। बाकी आप इसके साथ दोबारा इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं कि फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दे, सेकंड का डेरिवेटिव ले, फिर सेकंड को छोड़ दे, फर्स्ट का डेरिवेटिव लो, तो और इस मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन ये मेथड इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ पे आप अलग अलग डेरिवेटिव्स फाइंड करोगे तो आपसे डेरिवेटिव में मिस्टेक नहीं होगी, और फिर यहाँ पे आप लोग इजीली यहाँ इसको पुट कर सकते हैं। अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम जो है क्वेश्चन रूल पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेटस।